तो ये है नाथ जी की नगरी जालौर दोस्तों, जहाँ पे गुरु जे नाथ जी की जरूरत है। ये पूरा माउंटेन एरिया देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही पूरे पहाड़ी इलाका, पूरा पहाड़ी पहाड़ आया हुआ है। यहाँ तक आपको आजू बाजू में कोई गाड़ी का नज़ारा कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा पहाड़ी इलाका है। इसी पहाड़ों में रह के शांतिनाथ ने तपस्या की थी गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक व्लॉग गाइस। दोस्तों आज मैं आप लोगों को योगी आदित्यनाथ के गुरु, उनका गुरु का आश्रम दिखाने वाला दोस्तों। राजस्थान में जालौर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ दोस्तों, देख सकते पूरा जंगल है, इधर भी पूरा जंगली लगा गाइस। अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे गाइस, हालत बहुत ख़राब होगी ऊपर जाते जाते हमारी। दोस्तों ये है शेरनाथ जी, जो गुरुजी है शेरनाथ जी, इसी के साथ हम जाएंगे दोस्तों अंदर आश्रम की ओर। ये पूरा देख सकते जंगल है, पूरा पूरा जंगल आया, देख सकते पूरा माउंटेन एरिया है, वहाँ तक नज़र जा रही पूरा जंगल ही जंगल है दोस्तों। यहाँ तो रास्ता भी कच्चा, अभी देख सकते हो। और ये चल रहे शेरनाथ जी गुरु है, और यहाँ पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ी ही लगा गाइस, देख सकते हैं आजू बाजू को भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। आप यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे तो पानी साथ में लेके जरूर आएगा गाइस, क्योंकि पूरा जंगल है, आपको 1 किलोमीटर तक पानी पीने में नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर आओगे तो फिर मंदिर देख सकते हो, इतना दूर आएगा। अभी इसी से आगे बहुत जाना और भी, ये आया हुआ सरे मंदिर, और इधर पूरा माउंटेन एरिया है। तो गाइस हमें आने में 3 घंटे लग गए, यहाँ ऊपर आने में इतनी हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे दोस्तों ये वाला मंदिर, और इधर पूरा माउंटेन एरिया गाइस, एकदम पूरा माउंटेन एरिया देख सकते हैं पूरा। इधर पूरा नीचे सिटी जहाँ से आपकी नज़र आ रही है वो है जालौर डिस्ट्रिक्ट, तो राजस्थान का। ये नीचे बहुत बहुत दूर है देख सकते दोस्तों, इधर पूरा जंगल है देख सकते आपको, जहाँ तक नज़र आ रही है पूरा जंगल एरिया। अभी तो और भी झाड़ी वगैरह थोड़ी ग्रीन ग्रीन लग रही है, तो गर्मी के समय तो एकदम हालत ख़राब है यहाँ पर। अभी फर्स्ट नज़र दिख रही होगी आपको पूरा नज़ारा ये जंगल का। इधर आ गया सरे मंदिर दोस्तों, जो सामने दिख रहा है ये पूरा सरे मंदिर है। अभी तो उसके अंदर बहुत जाना, अभी तो बाहर में जस्ट गेट लगा हुआ है, अभी अंदर जाओगे तो पूरा मंदिर है, आपको मैं व्यू दिखाऊंगा गाइस। अंदर ही सारी दुकानें लगी हुई है जहाँ आप सामान भी ले सकते मंदिर के लिए, प्रसाद वगैरह यहीं से ले जा सकते हैं दोस्तों। नीचे से आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि सारा सामान यहाँ मिलेगा आपको गाइस। फिलहाल हम यहाँ से गेट से अंदर जाएंगे, और ये है गेट देख सकते दोस्तों, ये छोटा सा गेट आया हुआ है जहाँ से अंदर की ओर जाने के लिए आया हुआ, ये वाला गेट है। और ये बना हुआ कुंड पानी का, जहाँ पे पानी की व्यवस्था देख सकते गाइस। ये पूरा इलाका है जहाँ योगी जी पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये पानी का कुंड देख सकते गाइस। क्या कमरा, तो गाइस ऊपर सारी दुकानें लगी हुई देख सकते हैं, सामान की दुकान भी, आप यहाँ से जो भी लेकर जाना सामान ले जा सकते हैं दोस्तों। मंदिर के लिए नारियल भी है यहाँ पे, और बहुत सारे सामान है मंदिर के लिए, जो भी ले जाना चाहते हैं आप यहाँ मिल जाएगा आपको। ऑफकोर्स गाइस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आने से पहले गूगल पे नहीं है गाइस, यहाँ ऊपर ऑनलाइन आपको कोई भी ट्रांजेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। बहुत ऊंचाई पे आया हुआ है, लगभग 1000-2000 मीटर ऊपर है समथिंग ये वाला मंदिर, तो यहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है गाइस। तो ये मंदिर का कुछ बैकग्राउंड इस तरह से दिखेगा आपको, अभी तो अंदर जाना बहुत बाकी, हम अंदर से अभी सामान लेंगे फिर अंदर जाएंगे गाइस। तो आपको कुछ फर्स्ट ऐसा लगेगा, ये हाथी खड़ा सामने, जो अभी कुछ पेंट वगैरह किया जा रहा है रिपेयरिंग में समथिंग, देख सकते हो ऊपर को भाई खड़ा है, इसको वापस पेंट वगैरह किया जा रहा है। और ये दुकान है इधर, इधर बहुत सारी दुकान है, 4-5 से मैं यहाँ सामान ले रहा हूँ अभी, नारियल वगैरह ले रहा हूँ। तो ऑनलाइन नहीं है, तो हमारे पास भी ऑनलाइन नहीं था, फिलहाल हमारे पास ट्रांजेक्शन कुछ पड़ा था वैसे, तो हमने इनको दे दिया 100 रुपीज़ जो कैश था, लेकिन कैश लेके जरूर आएगा गाइस। तो दोस्तों ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से आप एंट्री करोगे अंदर की ओर गाइस। जस्ट थोड़ा सा अंदर करोगे तो यहाँ पे दो बड़े बड़े बैल लगे हुए गाइस, देख सकते बहुत ही ज़्यादा भारी वजन वाले होंगे गाइस। तो ये इधर जाओगे आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं, और अंदर जाओगे तो आप मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए गाइस। तो ये है मुख्य मंदिर शांतिनाथ मंदिर दोस्तों, जहाँ अंदर से मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा गाइस।
तो ये मंदिर का कुछ अंदर का भाग देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत कलाकारी की हुई देख सकते हैं लोग। तो मंदिर के सारे यहाँ इतिहास वगैरह जो भी सारा लिखा रहेगा आप यहाँ पे आराम से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द्वारा बुद्ध रेबारी महाराज मान सकती देख सकते हैं यहाँ पे भी है इनका बुद्ध। तो गाइस ये कुछ मंदिर का नज़ारा था, मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया, अभी मैं कुछ आपको और दिखाने वाला हूँ मंदिर के अंदर से। गाइस ये देख सकते हैं कुछ अच्छी तरह से आप ऊपर कैमरा करके मैं दिखा रहा हूँ पूरा। ये मंदिर के साइड वाला बैकग्राउंड है जहाँ पे सारे समाधि स्थल आपको दिखाऊंगा गाइस, जहाँ पे समाधि स्थल बने हुए नाथ जी की समाधि भी यहाँ है, शांति नाथ जी वापसी जिनकी समाधि यहाँ ली हुई है वो समाधि स्थल यहाँ पे बना हुआ गाइस। तो ये थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड है जहाँ पे समाधि स्थल तीन चार समाधि बनी हुई है दोस्तों नाथ जी की। और ये मंदिर जहाँ बाहर आओगे आप तो एक मंदिर रहेगा गाइस, तो ये भी मंदिर है जो जालेंद्र नाथ के है, जालेंद्र नाथ जी ने स्थापना की थी इसी मंदिर की गाइस। तो नाथ जी जालेंद्र नाथ जी उसने इस मंदिर की स्थापना की थी अपने हाथों से गाइस। तो ये मंदिर देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है, आपको इसकी समक देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सा लगेगा आपको दोस्त। तो धूप में देख सकते हैं किस तरह से समक रहा है एकदम, मौसम भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कुछ बना हुआ है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, खाना वाना व्यवस्था भी यहाँ पे गाइस। ये देख सकते बाहर का क्या बात करें, अड़गे दिल अड़गे दिल जय नाथ जीरी अरे। तो गाइस हमने कुछ प्रसाद ली थी जो इस बंदरों को खिला दिया हमने प्रसाद थोड़ा सा गाइस। यहाँ पे बहुत सारे बंदर मिलेंगे, आप ऊपर आओगे तो बहुत सारे बंदर मिलेंगे, आप कुछ आओ तो हमें प्रसाद वगैरह खिला सकते गाइस। क्यूट क्यूट मंकी फोन लेन जाइए मेरी देर पड़े मुला रहे कटे थोड़ो ये वाले ये गाय वाले हाँ सही है क्वालिटी भाई वही सेवा हाथ दे ला ले 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 दे कोई नहीं के गुड़ है हाँ गुड़ दे तू आ नहीं तू आजा देखा तू आजा नहीं खाया बस मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है जालेंद्र नाथ की तपोभूमि जालोर में सरे मंदिर गाइस, जहाँ पे देख सकते बहुत ऊंचाई पे हूँ दोस्तों, फिर भी यहाँ पे समतल दिखेगा आपको, ऊपर आओगे यहाँ पे लगभग हजारों मीटर 2000 मीटर ऊपर पे जहाँ पे समतल दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे बंदर वगैरह मिलेगा गाइस। आदित्यनाथ के गुरु शांतिनाथ ने भी यही तपस्या की हुई है गाइस। तो अभी मैं आपको एक कुंड दिखाऊंगा जो हजारों साल पुराना कुंड है गाइस, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे हजारों साल पुराना कुंड है गाइस, ये आज भी इसमें पानी है, बहुत सारे बंदर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे अंदर दिखोगे तो दोस्तों, जहाँ पे पानी वगैरह पी रहे गाइस ये देख सकते हो। तो ये वाला कुंड है बहुत ही पुराना कुंड है गाइस, ये देख सकते हो। इस कुंड में पानी दोस्तों कभी भी खत्म ही नहीं होता गाइस, चाहे उनाला हो या कैसा भी हो काल अकाल, लेकिन इस कुंड का पानी आपको कभी खत्म हुआ नहीं दिखेगा गाइस, बहुत ही गहरा में है वो देख सकते हो गाइस। ये कुंड है इसी के अंदर से पानी भरा हुआ, शायद में देख सकते नीचे की ओर आपको लगे हुए कुछ गेट वगैरह है जहाँ से अंदर नीचे की ओर आने के लिए बंदर जा रहे हैं, वो सामने गाइस वो भी बंदर है, कि बंदरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था यहाँ बनी हुई गाइस।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, घूमने यहाँ कम आते हैं, लेकिन क्या दर्शन के लिए बहुत आते हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है गाइस, ऐसी वैसी नहीं है। यहाँ पे आना किसी की हर किसी की बात नहीं गाइस, ये तपोभूमि कहा जाता है शांतिनाथ की, योगी आदित्यनाथ की गुरु भी कहा जाता है शांतिनाथ, या जालेंद्र नाथ जी की भी ये तपोभूमि गाइस। यहाँ भूमि ये ऐसी सूर्यों की भूमि कहा जाती है गाइस वाली, पूरे देख सकते ये मंदिर है सारे तोड़ के पहाड़ों में बड़ा हुआ है, पूरा पहाड़ है, आज भी ऐसा कैसा है जहाँ पे देखा गया आपको दोस्तों। तो गाइस देख सकते हैं वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस सब लोग, और कमेंट में जय नाथ जी की जरूर लिखेगा सब लोग दोस्तों। ये तपोभूमि आई हुई देख सकते हैं इस तरह पूरे जंगल टाइप, यहाँ पे पूरे पेड़ पौधे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ है गाइस यहाँ पे, आप आओगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे, हर तरीके से यहाँ पेड़ वगैरह मिलेंगे आपको, यहाँ खाना वाना की व्यवस्था भी मिलेगी आपको, अगर चाय वाय पीनी तो चाय भी मिलेगी, सब कुछ व्यवस्था यहाँ बनी हुई है मंदिर में गाइस। तो गाइस मैंने आप लोगों को तपोभूमि का सारा दर्शन करवा लिया जालौर का गाइस, तो ये जालौर की भूमि है तपोभूमि शांतिनाथ, जो शायद तक भारत में सबसे बड़ा अखाड़ा भी कहा जाता है, इन ये अखाड़ा का भी नाम आता है गाइस शांतिनाथ का, योगी आदित्यनाथ के गुरु भी माना जाता है गाइस ये वाले, वो जालेंद्र नाथ जी भी यहाँ भी तपोभूमि गाइस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और लाइक जरूर करें दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट में जय नाथ जी की जरूर लिखे गाइस। मिलेंगे कभी और नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे व्लॉग के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ गाइस, हम कुछ और भी आपको पीछे का बैकग्राउंड से दिखाएंगे। ऊपर से इस तरह व्यू दिख रहा पूरा, ये है नाथ जी की नगरी गाइस, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। तो कमेंट में हर हर नाथ जी, जय नाथ जी की जरूर लिखे।